आज हम लोग मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी में, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को याद है कि हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 कर रहे थे और उसके 3 क्वेश्चंस हम लोग कर भी चुके थे, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 के 3 क्वेश्चंस क्योंकि हम कर चुके हैं तो अब हम उससे और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मान लीजिए 90% लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं, इसकी प्रायिकता क्या है कि 10 लोगों में से यादृच्छया चुने गए ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हों। देखिए ये एक हमारा जो क्वेश्चन है इसको पढ़ के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल और आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 90% लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 लोगों में से, हमने टोटल 10 लोगों का ट्रायल लिया तो इसका मतलब है बर्नौली ट्रायल्स जो होंगे वो 10 होंगे, 10 लोगों का हमने ट्रायल लिया है तो n इज इक्वल टू 10, चुने गए अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हों। बेटा प्रायिकता के लिए यहां पर उन्होंने बोला दाहिने हाथ से काम करने वालों की प्रायिकता आपको चाहिए, और आपको याद होगा जिसकी भी प्रायिकता हमको चाहिए उसी को हम अपनी सफलता मानते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं माना व्यक्ति का दाहिने हाथ से काम करना सफलता प्रदर्शित करता है, सफलता दर्शाता है कि अगर वो व्यक्ति दाहिने हाथ से काम कर रहा है, 10 में से जिस भी व्यक्ति को हमने चुना अगर वो व्यक्ति दाहिने हाथ से काम करता है तो ये हमारी सफलता है, अगर हमने ऐसे व्यक्ति को चुना जो दाहिने हाथ से काम नहीं करता है अर्थात बाएं हाथ से काम करता है तो ये हमारी असफलता मानी जाएगी, तो माना व्यक्ति का दाहिने हाथ से काम करना सफलता दर्शाता है। जैसे ही हमने लिया तुरंत अब हम सफलता की प्रायिकता निकाल सकते हैं, इसलिए सफलता की प्रायिकता, आपको याद होगा सफलता की प्रायिकता को हम पी से लिखते रहे हैं, सफलता की प्रायिकता, सफलता माना किसको गया है, दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को, तो सफलता की प्रायिकता अगर आपको चाहिए तो दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों की प्रायिकता निकालिए। क्वेश्चन में दिया है 90% लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं, इसका मतलब है दाहिने हाथ से काम करने वाले लोगों की प्रायिकता है 90%, और यही हमारी सफलता है। 90% को मैं लिख सकता हूं 9/10, 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 9/10। अगर सफलता की प्रायिकता ये है तो असफलता की प्रायिकता क्या होगी, असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता के लिए हमने Q लिया और उसको हम निकालेंगे 1-P से, Q इज इक्वल टू 1-9/10, इट विल बिकम 1/10। ओके, अब हम यादृच्छिक चर को भी डिफाइन करना चाहते हैं तो यहां पर लिखेंगे माना x सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है, माना x सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है, माना x सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए x के संभावित मान क्या होंगे, x के संभावित मान। बेटा आप देखें हमने 10 लोगों का क्योंकि ट्रायल लिया है, अब हो सकता है कि जिन 10 लोगों को हमने चुना उनमें से सफलता किसको माना गया है, दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के होने को, तो ऐसा हो सकता है कि जिन 10 लोगों का हमने ट्रायल लिया है उनमें से एक भी व्यक्ति दाहिने हाथ से काम करने वाला ना हो, यानी कि 10 में से मुझे एक भी सफलता ना मिले, अगर 10 में से मुझे एक भी सफलता नहीं मिली तो x की वैल्यू 0
हो सकता है 10 में से एक सफलता मिल जाए, मतलब एक व्यक्ति दाहिने हाथ से काम करने वाला हो तो x की वैल्यू 1, हो सकता है 10 में से दो व्यक्ति दाहिने हाथ से काम करने वाले हो तो x की वैल्यू 2, हो सकता है 10 में से तीन व्यक्ति दाहिने हाथ से काम करने वाले हो अर्थात मुझे तीन सफलताएं मिल जाएं तो x की वैल्यू 3। ऐसा करते करते ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से सभी व्यक्ति, 10 के 10 व्यक्ति दाहिने हाथ से काम करने वाले हो अर्थात 10 में से 10 सफलताएं हमको मिल जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो बेटा ये x के संभावित मान भी हमने बना लिए हैं। उन्होंने हमसे पूछा है कि इस फिर से मैं पढ़ता हूं कि इसकी प्रायिकता क्या है कि 10 लोगों में से यादृच्छया चुने गए अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं। तो आपको जो प्रायिकता ज्ञात करनी है, अधिक से अधिक 6 लोग प्रायिकता चाहिए, किस बात की? तो अधिक से अधिक 6 लोग या अधिक से अधिक 6 सफलताओं की, अधिक से अधिक 6 सफलताएं मिले, अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, इस बात की प्रायिकता मुझे चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? अधिक से अधिक 6 सफलताएं, इसका मतलब है अधिक से अधिक 6, जब बहुत ज्यादा सफलताएं हो तो 6 हो, 6 से ज्यादा नहीं चाहिए। 6 से ज्यादा नहीं चाहिए मतलब 7, 8, 9, 10 नहीं चाहिए हमको, लेकिन 6 या 6 से कम सब ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एट x इज लेस देन और इक्वल टू 6, 6 या 6 से कम ले सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं ले सकते। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? इसके लिए फॉर्मूला 6 या 6 से कम, तो 6 से कम में 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 तक हम ले सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 6। ये प्रोबेबिलिटी हमें इस तरह से सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन हमने बेटा देखा कि इसमें मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हमने इसका शॉर्टकट मेथड यूज कर लिया। क्या शॉर्टकट मेथड था? कि अगर 0 से 6 तक यहां यूज हुआ है तो आप इसे एक तरह से और लिख सकते हैं, 1 माइनस 0 से 6 तक है तो 6 से आगे 7 से 10 तक आपकी प्रायिकताएं इसमें माइनस कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 7 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 8 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 9 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 10। प्रायिकता बंटन का नियम आप याद करिए, सभी प्रायिकताओं का योग 1 आता था, उससे हम निकाल के लाए इसकी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 7, याद करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाए थे आपने, तो 4x इज इक्वल टू 7 क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू होगी NC7 q टू दी पावर n माइनस 7 p टू दी पावर 7 माइनस इसकी वैल्यू NC8 q टू दी पावर n माइनस 8 p टू दी पावर 8 माइनस 4x इज इक्वल टू 9 NC9 q टू दी पावर n माइनस 9 p टू दी पावर 9 माइनस NC10 q टू दी पावर n माइनस 10 p टू दी पावर 10। अब ये वैल्यूज मुझे सॉल्व करनी है, n की जगह 10, p की जगह 9/10, q की जगह 1/10, ये सारी वैल्यूज हम अप्लाई करेंगे। तो ये हुआ 10C7 q 1/10 टू दी पावर 10 माइनस 7 मीन्स 3 p 9/10 टू दी पावर 7 माइनस, यहां से आप देख सकते हैं 10C8 1/10 टू दी पावर 10 माइनस 8 मीन्स 2 p टू दी पावर 8 मीन्स
9 अपॉन 10 टू द पावर 8 माइनस NC9 10C9 क्यू 1 अपॉन 10 टू द पावर 10 माइनस 9 1 इंटू पी टू द पावर 9 मीन्स 9 अपॉन 10 टू द पावर 9 माइनस NC10 मीन्स 10C10 क्यू टू द पावर n माइनस 10 1 अपॉन 10 टू द पावर 10 माइनस 10 मीन्स 0 9 अपॉन 10 p टू द पावर 10 मीन्स 9 अपॉन 10 टू द पावर 10। अब आपको इसे कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट कर लेने से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करिएगा। अगर क्वेश्चन कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर है आपका 4, और 4 नंबर पे आपको इस तरह से जवाब आ जाएगा। वैसे इन्होंने भी सॉल्व नहीं किया हुआ है, जो आंसर ये दे रहे हैं उसमें ये सिर्फ एक फॉर्मूले की मदद से आपको बताना चाहते हैं कि इसके आगे का मेथड कैसा है। तो आप भी अगर सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग मेथड बैठेगा, अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आप यहीं से इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस विल बी योर आंसर क्वेश्चन नंबर 4 मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज 13, विविध अभ्यास 13 और प्रोबेबिलिटी का है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देखें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर मुझे बताएंगे कमेंट करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। बेटा अब आप सफलता की प्रायिकता असफलता की प्रायिकता किसको लेना है ये समझ चुके हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, मैं उसको पढ़ता हूं। लिखा है एक कलश पात्र में 25 गेंदे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक कलश में 25 गेंदे हैं। बेटा एक कलश है और उस कलश में 25 गेंदे हैं टोटल, टोटल उसमें 25 बॉल्स हैं, जिसमें 10 गेंदों पर चिन्ह एक्स अंकित है। 10 बॉल्स ऐसी हैं जिन पर एक्स चिन्ह अंकित है, प्रिंट है, और 15 बॉल्स ऐसी हैं जिन पर चिन्ह वाई प्रिंटेड है। कलश में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, कलश में से हमने एक गेंद को रैंडमली चूज किया, उसको निकाला, उस पर अंकित चिन्ह को नोट करके उसे कलश में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। हमने एक बॉल निकाली, उसमें जो कुछ भी प्रिंट है, एक्स प्रिंट है तो हमने एक्स नोट कर लिया, वाई प्रिंट है तो हमने वाई नोट कर लिया, और उसके बाद फिर से उसे कलश में हमने रिप्लेस कर दिया। यदि इस प्रकार से 6 गेंदें निकाली जाती हैं, इस तरह से हमने 6 गेंदें निकाली, 6 पहली निकाली, प्रिंटेड लेटर नोट किया, रिप्लेस कर दिया, फिर सेकेंड बॉल निकाली, प्रिंटेड लेटर नोट किया, रिप्लेस कर दिया, थर्ड बॉल निकाली, प्रिंटेड लेटर नोट किया, रिप्लेस कर दिया, इस तरह से मैंने 6 टाइम्स यही एक्टिविटी की। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर मैंने 6 टाइम्स ये एक्टिविटी की है, इट मींस कि हमने 6 बर्नौली ट्रायल्स लिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स विल बी 6। ओके, आगे लिखा हुआ यदि इस प्रकार से 6 गेंदें निकाली जाती हैं तो अग्रलिखित प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। आगे कुछ पार्ट्स हैं, उनमें कुछ लिखा हुआ है, उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। मैं पढ़ता हूं, फर्स्ट पार्ट पे सभी पर चिन्ह एक्स अंकित हो, सेकेंड पार्ट दो से अधिक पर चिन्ह वाई अंकित ना हो, दो से ज्यादा बॉल्स पे चिन्ह वाई नहीं अंकित होना चाहिए, थर्ड पार्ट कम से कम एक गेंद पर चिन्ह वाई अंकित हो, यानी कि कम से कम एक बॉल पे वाई अंकित हो, एक से कम पर नहीं, एक्स तथा वाई चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्याएं समान हो। इसके बाद भी एक पार्ट लिखा है कि एक्स चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य ज्ञात करिए। तो इतने पार्ट हैं हमारे क्वेश्चन में। बेटा कभी उन्होंने एक्स
एक्स प्रिंटेड बॉल्स की प्रायिकता के बारे में जिक्र किया है, तो कभी उन्होंने वाई प्रिंटेड बॉल्स के बारे में प्रायिकता का जिक्र किया हुआ है। फिर से जो ये उन्होंने 4 से 5 पार्ट मुझे दिए हैं करने के लिए, उसमें कभी तो उन्होंने एक्स प्रिंटेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का जिक्र किया, कभी वाई प्रिंटेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का जिक्र किया हुआ है। तो आज मेरे लिए सभी पार्ट्स के लिए एक ही सफलता और एक ही असफलता को लेना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे सिचुएशन पे मैं क्या करता हूं, अभी मैं कोई सफलता असफलता नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ अगर एक्स प्रिंटेड बॉल निकलेगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, अगर वाई अंकित बॉल आएगी तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, मैं निकाल लेता हूं। जब मैं पार्ट पे पहुंचूंगा तो सफलता और असफलता को उनके अकॉर्डिंग मैं चेंज कर लिया करूंगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं एक्स अंकित बॉल की प्रायिकता, एक्स अंकित गेंद की प्रायिकता। तो एक्स अंकित गेंद की प्रायिकता कितनी होगी, थोड़ा ध्यान से देखें, कुल कितनी गेंदें हैं 25, उसमें कितनी ऐसे गेंदें जिसमें एक्स प्रिंट है, 10 बॉल्स ऐसी हैं। तो एक्स अंकित गेंद की प्रायिकता कितनी होगी, 10/25 मींस 5 2s are 10, 5 5s are 25। अब हम निकाल लेते हैं वाई अंकित गेंद की प्रायिकता कि अगर किसी बॉल पर वाई प्रिंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो वाई प्रिंटेड बॉल कितनी है 15 और टोटल बॉल्स कितनी है 25, तो वाई अंकित गेंद की प्रायिकता होगी 15/25, 5 3s are 15, 5 5s are 25, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/5। तो अगर इसमें मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर किसी पार्ट में एक्स अंकित गेंद को सफलता लेना हो, एक्स अंकित गेंद को सफलता लेना हो, तो आप इसे पी ले लेना और इसको क्यू ले लीजिएगा। अगर किसी पार्ट में एक्स अंकित गेंद या वाई अंकित गेंद को सफलता लेना हो तो उस समय आप इसे पी मान लेना, इसे क्यू मान लेना। तो हर पार्ट में हम अपने क्यू और पी को चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसलिए आज मैं सफलता और असफलता को नहीं लिख रहा हूं, मुझे जैसी नेसेसिटी होगी, जैसी जरूरत होगी, मैं वैसा ही पी और क्यू चेंज कर लिया करूंगा। ओके, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखना है मुझको, लिखा हुआ सभी पर चिन्ह एक्स अंकित हो। बेटा देखें, उन्होंने प्रायिकता किस बात की पूछी कि सभी पर चिन्ह एक्स अंकित हो, इसका मतलब है एक्स अंकित गेंद का आना ही हमारी क्या हुई, सफलता। अगर एक्स अंकित गेंद का आना हमारी सफलता हुई तो मैं तुरंत ही यहां लिख देता हूं, यहां पी की वैल्यू कितनी हुई, एक्स अंकित गेंद का आना सफलता है, तो पी इज इक्वल टू 2/5 एंड क्यू इज इक्वल टू 3/5। ये इस तरीके से हमने देखिए बना लिया। फिर से मैं एक बार बता दूं, फर्स्ट पार्ट पे लिखा गया है सभी पर चिन्ह एक्स अंकित हो, तो फर्स्ट पार्ट पे उन्होंने एक्स अंकित गेंद की बात की है, प्रायिकता का जिक्र किया है, तो मैं एक्स अंकित गेंद की प्रायिकता को सफलता मान लेता हूं और पी से लिखूंगा, और वाई अंकित गेंद की प्रायिकता को क्यू मान लिया जाए, असफलता की प्रायिकता। ओके, एन हमारा सभी पार्ट्स के लिए 6 ही रहेगा, यह चेंज नहीं होगा। तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, लिखा है सभी पर चिन्ह एक्स अंकित हो, मतलब अगर 6 बॉल्स हैं तो 6 के 6 गेंदों पर एक्स ही लिखा हो, तो हमको प्रायिकता चाहिए व्हेन प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 6। एक्स के संभावित मान क्या हो सकते हैं, संभावित मान हो सकते हैं यादृच्छिक चर के, यादृच्छिक चर के संभावित मान मैं चाहूं तो यहां नोट कर सकता हूं, यादृच्छिक चर के संभावित मान। और क्योंकि आपने इतने सवाल अब तक लगाए हैं तो आप समझ भी गए होंगे कि अगर हमने 6 बर्नौली ट्रायल्स लिए हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उन्होंने बोला सभी पर चिन्ह एक्स अंकित हो, यानी कि सब की सब गेंदों पर, 6 की 6 गेंदों पर चिन्ह एक्स अंकित हो, इसकी प्रायिकता। तो मैं एक्स की जगह मुझे 6 के लिए यादृच्छिक चर की 6 वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी मुझको चाहिए, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एन सी 6
NC6 Q to the power N minus 6 P to the power 6. NC6 means 6C6 Q to the power N minus 6 3 upon 5 to the power 6 minus 6 P to the power 6 2 upon 5 to the power 6. NCN की वैल्यू 1 होती है, 3 upon 5 to the power 0 इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी. This will be 2 upon 5 to the power 6. Means our required answer for part number 1 is 2 upon 5 to the power 6. यही हमारा आंसर होगा. ऐसा ही हर पार्ट में जो हमारी सफलता और असफलता होगी उसके मुताबिक हम इनको P या Q मान लिया करेंगे. सेकेंड पार्ट में देखिए बेटा, सेकेंड पार्ट लिखा है 2 से अधिक पर चिन्ह Y नहीं अंकित हो, चिन्ह Y नहीं अंकित हो. इस बार सेकेंड पार्ट में चिन्ह Y की प्रायिकता की बात की है उन्होंने, इसलिए हम Y अंकित गेम की प्रायिकता को अपनी सफलता मानेंगे. और अगर इसको सफलता मानेंगे तो इस बार P की वैल्यू कितनी हो गई, 3 अपॉन 5, और असफलता X प्रिंटेड बॉल का आना है तो वो होगी 2 अपॉन 5. ओके, अच्छा अब हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज की चाहिए. उन्होंने बोला 2 से अधिक पर चिन्ह Y नहीं अंकित हो, 2 से ज्यादा पर चिन्ह Y अंकित ना हो, 2 से ज्यादा पर चिन्ह Y अंकित ना हो, 3 ना हो, 4 ना हो, 5 ना हो, 6 ना हो. इसका मतलब 2, 1 और 0 तो हम ले सकते हैं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी इसी की चाहिए. प्रोबेबिलिटी इसकी चाहिए मींस x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2. जो यादृच्छिक चर होना चाहिए वो 2 या 2 से कम का होना चाहिए. फिर से मैं पढ़ दूं, 2 से अधिक बॉल पर चिन्ह Y अंकित ना हो, तो 2 से अधिक पर, 2 से अधिक बॉल्स पर चिन्ह Y अंकित नहीं होना चाहिए, 3, 4, 5, 6 पे नहीं होना चाहिए, ये ले सकते हैं. लेस देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से कम. इसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2. फॉर x इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द फॉर्मूला, प्लीज माइंड इट. आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होगा NC0 Q टू द पावर n माइनस 0 P टू द पावर 0 प्लस 1 के लिए NC1 Q टू द पावर n माइनस 1 P टू द पावर 1. फॉर x इज इक्वल टू 2 NC2 Q टू द पावर n माइनस 2 P टू द पावर 2. अब इसे हमको कैलकुलेट करना है. NC0 n इज 6 हियर, 6C0 Q टू द पावर n माइनस 0 2 बाई 5 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर 6. 6 माइनस 0 करेंगे 6 आएगा. P है 3 अपॉन 5 टू द पावर 0 3 अपॉन 5 टू द पावर 0 प्लस NC1 मींस 6C1 Q टू द पावर 6 माइनस 1 मींस 2 अपॉन 5 टू द पावर 6 माइनस 1 मींस 5. P टू द पावर 1 मींस 3 अपॉन 5 टू द पावर 1 प्लस नेक्स्ट NC2 मींस 6C2 Q टू द पावर n माइनस 2 2 अपॉन 5 टू द पावर 6 माइनस 2 करेंगे 4 हो जाएगा. P टू द पावर 2 3 अपॉन 5 टू द पावर 2. आप ध्यान से देखें बेटा, आप इन सबको देखेंगे आप पाएंगे यहां 2 बाई 5 टू द पावर 6 है, 2 बाई 5 टू द पावर 5 है, 2 बाई 5 टू द पावर 4 है. इन सब से मैं 2 बाई 5 टू द पावर 4 को कॉमन कर लेता हूं. यहां पर क्या बचेगा, गौर से देखें, 6C0 की वैल्यू 1, 3 बाई 5 टू द पावर 0 की वैल्यू भी 1, 1 इंटू 1 1 हो गया. इसमें से 2 बाई 5 टू द पावर 4 चला गया कॉमन, तो 2 बाई 5 टू द पावर 2 बचा. अब अगर 2 बाई 5 टू द पावर 2 बचा तो इसको स्क्वायर कर दें, 4 अपॉन 25. ओके, यहां पर आते हैं, 6C1 की वैल्यू 6, 2 अपॉन 5 टू द पावर 4 कॉमन हो गया, 2 अपॉन 5 बचा, ये 3 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 टू द पावर 4 कॉमन हो गया, 6C2
सिक्स सी टू आप सॉल्व करेंगे तो सिक्स इंटू फाइव अपॉन टू इंटू वन मल्टीप्लाइड बाई, ये कॉमन हो गया है, इसकी वैल्यू 9/25। ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब इसे हमको सॉल्व करना है, 2/5 टू द पावर 4, दिस इज 4/25 प्लस 6 2 12 3 36/25 प्लस, यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 3 6 3 5 15 15 9 135 अपॉन 25। इसे कैलकुलेट कर लें, 2/5 टू द पावर 4, इसको आप ऐड करेंगे 135, 36 एंड 4 40, 40 एंड 135 विल बिकम 175 अपॉन 25। इस तरह से इसका जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी 2/5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 25, 7 are 175। दिस विल बी अवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। इस तरह से हम अपने पार्ट नंबर 2 को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 कैसे कैलकुलेट होगा उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट पे है, कम से कम एक गेंद पर चिन्ह वाई अंकित हो। तो बेटा इस पार्ट में भी देखिए उन्होंने क्या बताया, कम से कम एक गेंद पर चिन्ह वाई अंकित हो। और मैंने हर बार आपको बताया है जिसकी प्रायिकता का जिक्र करेंगे वही हमारी सफलता होगी। उन्होंने कम से कम एक गेंद पर चिन्ह वाई अंकित होने की बात की है, चिन्ह वाई अंकित होने की बात की है, तो वाई की प्रायिकता हमारी सफलता की प्रायिकता होगी। तो यहां पर हम क्या लेंगे, यहां सफलता की प्रायिकता लेंगे 3/5, असफलता की प्रायिकता लेंगे 2/5। लास्ट पार्ट में भी, पिछले पार्ट में भी यही हुआ था, इस पार्ट में भी यही हो रहा है, दिस इज अ कोइंसिडेंस। अब हम फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है, कम से कम एक गेंद पर चिन्ह वाई अंकित हो, एक गेंद पर चिन्ह वाई अंकित हो, कम से कम एक गेंद पर, यानी कि एक से कम पर नहीं, एक से कम पर नहीं, तो एक या जीरो पर नहीं हो सकती है। सॉरी मैं फिर से पढ़ लूं, कम से कम एक गेंद पर चिन्ह वाई अंकित हो तो मुझे जो प्रायिकता चाहिए, ये प्रायिकता चाहिए कम से कम एक के लिए, कम से कम एक का मतलब एक से फिर कम नहीं, एक से कम नहीं यानी कि जीरो नहीं, तो जीरो नहीं ले सकते, बाकी सब आप ले सकते हैं। इस तरह से इसका जो सिंबल बनेगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, वन या वन से ज्यादा ले सकते हैं, वन या वन से ज्यादा, कम से कम एक का मतलब है जब बहुत कम लेंगे तो एक, एक से कम आप नहीं ले सकते, तो एक से कम आप नहीं ले सकते, तो केवल जीरो ही नहीं ले सकते बाकी सारे ले सकते हैं। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक या एक से ज्यादा ये सब हम ले रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू टू प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स। आपने एक से छह तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को लेना है। ऐसी सिचुएशन पे, क्योंकि यहां पर ज्यादा पार्ट्स मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं इन सबको नहीं लूंगा, फिर से एक बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करूंगा, और वहां से अब मुझे पता है कि अगर इन सभी प्रायिकताओं का जोड़ चाहिए तो आप वन में से एक्स इज इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए। वन में से एक्स इज इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए, क्योंकि सभी के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का सम वन होता है, तो अगर इन सबका सम आपको चाहिए सो यू विल हैव टू माइनस द प्रोबेबिलिटी करेस्पॉन्डिंग टू जीरो। वन माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हाट विल बी इट्स अ फॉर्मूला, इट्स अ फॉर्मूला विल बी एन से जीरो क्यू टू द पावर एन माइनस जीरो एन पी टू द पावर जीरो। सो वन माइनस एन सी जीरो मीन्स
6C0 Q to the power n minus 0 means 2 upon 5 to the power 6 P to the power 0 means 3 upon 5 to the power 0. अब 6C0 1 किसी भी नंबर की पावर भी का भी 0 की वैल्यू भी 1, तो ये आंसर बचा 1 माइनस 2 अपॉन 5 टू द पावर 6. दिस विल बी अवर आंसर फॉर पार्ट नंबर थर्ड. ओके, थर्ड के बाद और आगे चलते हैं पार्ट 4 का आंसर फाइंड करने के लिए. आप इसको गौर से देखते जाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं. 5 का फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है, एक्स तथा वाई चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्याएं समान हैं. एक्स और वाई चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्याएं समान हैं, क्योंकि बेटा दोनों प्रकार की बॉल्स की जो नंबर है वो इक्वल है. इसलिए इस बार आप किसी को भी सफलता मान लो या किसी को भी असफलता मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से आपका आंसर आ सकता है. मैं फिर से आपको बता दूं, क्वेश्चन में बोला गया एक्स तथा वाई चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या, एक्स और वाई चिन्हों से अंकित गेंदों की जो संख्या है वो आपस में बराबर है. मींस 3 बॉल्स एक्स अंकित हैं और बाकी 3 बॉल्स वाई प्रिंटेड हैं. ऐसी सिचुएशन पे आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप क्योंकि 50-50% के चांस हैं, इसलिए किसी को भी अपनी सक्सेस मान लें, किसी को भी अपना फेलियर मान लें, आपका आंसर आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं एक काम कर लेता हूं, एक्स प्रिंटेड बॉल्स के हम अपनी सफलता मान लेते हैं, इसलिए पी इज इक्वल टू 2/5 एंड क्यू इज इक्वल टू 3/5 ले लेते हैं. हमने ये कर लिया. अगर आप P इज इक्वल टू 3/5 और Q इज इक्वल टू 2/5 लेंगे तो भी सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों प्रकार की बॉल्स का जो नंबर है वो सेम है. 50-50% के चांस दोनों के लिए हैं. अब हम फॉर्मूला निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एट X इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमने सफलता किसको मान लिया, X प्रिंटेड बॉल्स की नंबर को. तो X प्रिंटेड बॉल्स का नंबर मुझे कितना चाहिए, 3, और Y प्रिंटेड बॉल्स का नंबर भी मुझे 3 ही चाहिए. तो मैं इससे निकाले देता हूं, सॉल्व कर लें आप इसे. N C 3 Q टू द पावर N माइनस 3 एंड P टू द पावर 3, 6C3 वैल्यू पुट कर देंगे N की जगह पे, 6C3 क्यू टू दी पावर एन माइनस 3 मीन्स 3 अपॉन 5 टू दी पावर 6 माइनस 3, पी टू दी पावर 3 मीन्स 2 अपॉन 5 टू दी पावर 3. 6C3 को कैलकुलेट करेंगे, 6 × 5 × 4 / 3 × 2 × 1, 3 अपॉन 5 टू दी पावर 3, 3 अपॉन 5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5 टू दी पावर 3. आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इसे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप सभी इसे कैलकुलेट करेंगे और आप देखेंगे कि आपका आंसर आ गया है. ये बड़ा सिंपल है, कुछ कठिनाई इसमें नहीं है, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, आप सब कर सकते हैं. एक बार मैं बता देता हूं फिर से आपको, इन्होंने बोला एक्स तथा वाई चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या समान है. बेटा अगर एक्स तथा वाई अंकित गेंदों की संख्या समान है, इसका मतलब अगर टोटल बॉल्स हमने 6 का ट्रायल लिया था तो एक्स वाली बॉल्स भी 3 आई है और वाई वाली बॉल्स भी 3 आई है, क्योंकि दोनों के चांसेस इक्वल है. आप किसी को भी अपनी सफलता मान सकते हैं. मैंने एक्स अंकित गेंदों की अपनी सफलता मान लिया, तो पी इज इक्वल टू मैंने 2/5 ले लिया और क्यू इज इक्वल टू मैंने 3/5 ले लिया. अब क्योंकि एक्स अंकित बॉल्स का नंबर हमारी सफलता है, तो ये बॉल्स मुझे कितनी चाहिए, आंसर है 3 चाहिए. 3 क्यों चाहिए, 3 तो कहा नहीं उन्होंने, ये तो कहा ना कि बराबर बराबर हूं. अगर बराबर बराबर हूं तो 6 में से बॉल्स का बराबर बराबर होना तभी पॉसिबल है जब एक्स इज इक्वल टू 3 हो, एक्स प्रिंटेड बॉल्स 3 हो. तो हमने एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया. इस तरह से इसके चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए. एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, इसमें कोई पार्ट तो नहीं बनाया है लेकिन लिख रखा है कि एक्स चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य भी ज्ञात करिए. एक्स चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य आपको ज्ञात करना है. तो मैं इसको साफ कर देता हूं,
अब मैं x चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य आपको निकाल के दिखाऊंगा। हम पार्ट तो नहीं दिया है पर मैं उसको फिफ्थ पार्ट माने ले रहा हूं। आप ऐसे इसको सोच लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। x चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें किस प्रकार की बॉल्स का जिक्र किया गया? x अंकित गेंदों की संख्या का जिक्र हुआ, इसलिए x अंकित गेंद की प्रायिकता को ही हम अपनी सफलता की प्रायिकता मान लेंगे। क्लियर? फिर से मैं बता दूं, इसमें x चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या का जिक्र किया गया है, उसकी प्रायिकता का जिक्र किया गया है, इसलिए मैं x चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या को ही अपनी सफलता माने लेता हूं, प्रायिकता को सफलता माने ले रहे हैं। तो यहां x चिन्ह से अंकित गेंद की जो प्रायिकता होगी यह सफलता की प्रायिकता होगी 2/5, और q की वैल्यू कितनी होगी 3/5, n की वैल्यू आपके पास है। सबसे पहले मुझे इन सब से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी चाहिए, और उसके लिए मैं यहां पर एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना चाहता हूं। द्विपद बंटन मैं तैयार करना चाहता हूं। आप सभी लोग भी देखिए, मैं द्विपद बंटन यहां पर बनाता हूं, उससे हमको बहुत हेल्प रहेगी। द्विपद बंटन बना लेने से, द्विपद बंटन एक टेबल होती है जिसमें हम एक तरफ तो यादृच्छिक चर को यूज करते हैं और एक तरफ हम उनके संगत प्रायिकता को लिखते हैं। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पर उनके संगत प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। मुझे x के 7 वैल्यूज चाहिए, 0 से 6 तक की वैल्यूज मुझको चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 0, फिर मैं लिखूँगा 1, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा 2, फिर यहाँ पर मैं 3, यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं 5 लिखे ले रहा हूँ, और मुझे एक और जगह चाहिए तो उसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 6, और 6 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ लिख दूंगा ये 6, उसका द्विपद बंटन में यहाँ लिख दूंगा। ओके, अब मुझे इनके सब के प्रायिकताएं बताइए। 0 के लिए क्या लिखेंगे? NC0 Q^(n-0) P^0, और हम चाहें तो साथ में वैल्यूज भी लिखते चल सकते हैं, वैल्यूज भी मैं लिखे देता हूं साथ में। फॉर्मूला आप कई बार लिख चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू भी लिखता हूं। 6C0 Q^(n-0) 3/5^6 P^0 2/5^0 1 के लिए 6C1 Q^(n-1) 3/5^6-1 P^1 2/5^1 4x=2 6C2 Q^(6-2) Q means 3/5^6-2 6-2 means 4 into P^2 P means 2/5^2 4x=3 6C3 3/5^6-3 means 3 and 2/5^3 4x=4 6C4 3/5^6-4 means 2 and P^4 means 2/5^4 at x=5 6C5 Q means 3/5^6-5 means 1 P^5 2/5^5 at x=6 6C6 Q^6-6 means 3/5^0 P^6 means 2/5^0
सिक्स, जीरो नहीं सिक्स। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है, तब उनकी प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी। मैं इसी टेबल में उनकी वैल्यूज भी लिखे ले रहा हूं कि उनकी प्रोबेबिलिटीज को सॉल्व करने से क्या वैल्यू आएगी। इससे मुझे उनके माध्य को निकालना काफी इजी रहेगा। मुझे एक्स चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य निकालना था, मैं वही कर रहा हूं। अब इसको सॉल्व करिए। 6c0 की वैल्यू 1, 2 upon 5 to the power 0 की वैल्यू 1, 3 by 5 to the power 6, 3 by 5 to the power 6 means आप इसे 3 by 5 to the power 6 लिख देंगे। 6c1 की वैल्यू होगी 6, 3 by 5 to the power 5, 2 upon 5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। 6c2 की वैल्यू 6 into 5 अपॉन 2 इंटू 1, 2 3 जार 6, 3 5 जार 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 5 टू द पावर 4 एंड 2 अपॉन 5 टू द पावर 2। इसके बाद इसको 6c3 सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे सॉल्व करिए। 3 2 जार 6, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। 5 4 जार 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 5 टू द पावर 3 इंटू 2 अपॉन 5 टू द पावर 3। 6c4 की बेटा वैल्यू वही होगी जो 6c2 की है, इसलिए इसकी वैल्यू 15 आएगी। 15 इंटू 3 अपॉन 5 टू द पावर 2 इंटू 2 अपॉन 5 टू द पावर 4। 6c5 की वैल्यू वही होगी जो 6c1 की है, इट मींस 6, 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5 टू द पावर 5। 6c6 ncn की वैल्यू होगी 1, किसी भी संख्या का 0 का मान भी 1 होगा, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 2 अपॉन 5 टू द पावर 6। आपको इसमें माध्य चाहिए, इसलिए यहां पर मैं माध्य निकालूंगा म्यू, जिसे आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता था सिग्मा एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप टू n। ये फॉर्मूला, और इससे पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस के आपने माध्य निकाले हुए हैं। कैसे निकालते थे मैं हिंट दे देता हूं, बाकी ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए आप फुर्सत से करिए। क्या होगा कैलकुलेशन का तरीका, आपका जो भी एक्स है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करवाते जाइए और सबको आपस में जोड़ दीजिए। जैसे मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं आपको, जीरो का मल्टीप्लाई 3 बाई 5 टू दी पावर 6 से करिए। जीरो मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 5 टू दी पावर 6 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 6 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 3 अपॉन 5 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 5। ओके, अब इसमें आइए तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करिए। जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 3 अपॉन 5 टू द पावर 4, 3 अपॉन 5 टू द पावर 4 इंटू 2 अपॉन 5 टू द पावर 2, ये आ जाएगा। अब ये लेना है तो 3 इंटू ये लेना है, तो यहां लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 3 अपॉन 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5 टू द पावर 3। 3 वाला कर चुके, अब 4 की बारी आती है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 3 अपॉन 5 टू द पावर 2 इंटू 2 अपॉन 5 टू द पावर 4।
प्लस 4 का भी हमने कर लिया, 5 की बारी आती है, तो 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 3 अपॉन 5 टू द पावर 1 इंटू 2 अपॉन 5 टू द पावर 5 प्लस लास्ट टर्म बचेगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5 टू द पावर 6। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आपको मैंने काफ़ी कुछ इजी करके दिखा दिया है, आपको इन पावर्स को ओपन करनी है और उसके बाद इन सब का सम आपको कर लेना है। आप जैसे ही इतना कर लेंगे आपको आपका आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो लास्ट जो हमने हमें दिया गया था x चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य, तो हमने क्योंकि x चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या का जिक्र किया इसलिए x चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या को ही या x चिन्ह से अंकित गेंद का होना हम अपनी सफलता मान लेते हैं, इसलिए सफलता की प्रायिकता x अंकित गेंदों की प्रायिकता को ले लिया हमने। क्योंकि मुझे माध्य चाहिए था तो मैंने पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद माध्य का हमने फॉर्मूला यूज किया और कैलकुलेशन अब आपको करनी है। कैलकुलेट करिए, सेयरली यू विल गेट योर आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चल पड़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूं, आप भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ एक बाधा दौड़ है, इसे हम अंग्रेजी में हर्डल रेस कहते हैं, हर्डल रेस, जिसमें जब आप दौड़ते हैं तो बीच बीच में बाधाएं आती हैं, उनको पार करते हुए आपको जाना होता है। तो एक प्रतियोगी को 10 बाधाएं पार करनी है, इसकी प्रायिकता कि वह प्रत्येक बाधा को पार कर लेगा 5/6 है, वह प्रत्येक बाधा को पार कर लेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, और वो प्रत्येक बाधा को पार नहीं कर पाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। ठीक है, क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, 2 से कम हर्डल्स को गिरा देगा वो। मींस बेटा आज फिर से ध्यान से सोचिए और सुनिए, आपकी किताब में भी है, आप भी पढ़ने का प्रयास करें। उन्होंने लिखा इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, अर्थात नहीं पार कर पाएगा। हमने आपको एक नहीं कई बार ऐसा जिक्र किया है कि जिस भी प्रायिकता के बारे में जिक्र किया जाएगा उसी को हम अपनी सफलता मान लेंगे। आज उन्होंने किसका जिक्र किया, 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, इस बात की प्रायिकता चाहिए, तो बाधाओं के गिरा देने को ही हम अपनी सफलता मान लेते हैं। फिर से देखिए, क्या प्रायिकता है कि 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, तो बाधाओं को गिरा देना ही हम अपनी सफलता मान लेते हैं यहां पर। और उसको कितने ट्रायल्स लेने हैं, उसको 10 बाधाएं पार करनी है, तो ये बर्नौली ट्रायल्स होंगे उसके 10। अच्छा, अब यहां पर मैं मान लेता हूं, माना माना बाधाओं का गिरा देना सफलता दर्शाता है, सफलता दर्शाता है। थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा आपको, लेकिन क्योंकि यही हमारा तरीका है तो हम यही मेथड यूज करेंगे। उन्होंने प्रायिकता का जिक्र किया है कि 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, तो बाधाओं को गिरा देना ही हम अपनी सफलता मान लेते हैं। तो माना बाधाओं का गिरा देना ही सफलता दर्शाता है, बाधाओं का गिरा देना ही सफलता दर्शाता है, इसलिए सफलता की प्रायिकता। और उसी के साथ साथ मैं असफलता की प्रायिकता भी निकाल लेता हूं। सफलता की प्रायिकता आप ध्यान से देखें, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, लिखा है इसकी प्रायिकता कि वह प्रत्येक बाधा को पार कर लेगा 5/6 है, वो एक बाधा को पार कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है। पार कर लेगा इसका मतलब हमारे हिसाब से बाधा को गिरा देना सफलता है और बाधा को पार कर लेना असफलता है।
उन्होंने दिया बाधा को पार कर लेने की प्रायिकता 5/6। आई मीन्स अकॉर्डिंग टू मी अगर बाधा को पार कर लेने की प्रायिकता 5/6 है, इसका मतलब असफलता की प्रायिकता 5/6 है। Q इज इक्वल टू 5/6। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बाधा को गिराना अगर सफलता है तो बाधा को पार कर जाना असफलता है, और बाधा को पार करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, इसका मतलब असफलता की प्रायिकता 5/6 है। सो एट दैट सिचुएशन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? 1 - Q मींस 1 - 5/6 1/6। इस तरह से सफलता की प्रायिकता 1/6 है, असफलता की प्रायिकता 5/6 है। अब यहां पर मान लेते हैं, माना x असफलताओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, असफलताओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, असफलताओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, तब x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? What will be the possible values of random experiment, random variable x? आप थोड़ा ध्यान से देखें, 10 बाधाएं हैं उसके सामने जो भी उसे पार कर रहा है। अब 10 बाधाओं में से सफलता की प्रायिकता, हो सकता है 10 में से वो एक बार भी सफल ना हो, तो फिर मुझे x के लिए 0 लेना पड़ेगा। हो सकता है 10 में से एक बार सफल हो जाए, यानी कि 10 में से एक बाधा को गिरा दे वो, तो मुझे x की जगह 1 लेना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से 2 बार सफल हो जाए, 10 में से 3 बार सफल हो जाए, 4 बार सफल हो जाए, 5 बार सफल हो जाए, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, और ऐसा भी हो सकता है कि 10 के 10 बार वो सफल हो जाए। ये x की पॉसिबल वैल्यूज रहेंगी। अच्छा, अगर ये x की पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो अब हम, क्योंकि बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया, अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जिसका भी उन्होंने बोला है। उन्होंने ये बोला है कि क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा। 2 से कम मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी किस बात की चाहिए? तो मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए 2 से कम की। 2 से कम यानी कि 2 भी नहीं ले सकते इस बार हम। 2 से कम यानी कि मैं 1 भी ले सकता हूं, मैं 0 भी ले सकता हूं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैं क्या सिंबल बनाऊंगा? एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू, नो 2 मैं नहीं ले सकता, तो लेस देन 2। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज लेस देन 2, 2 से कम के लिए। अब आप समझ जाएंगे कि 2 से कम में 1 और 0 दोनों ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू, नो एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इज इक्वल टू 1 व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला विल बी एन सी 1 क्यू टू दी पावर एन माइनस 1 पी टू दी पावर 1 प्लस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एन सी 0 क्यू टू दी पावर एन माइनस 0 पी टू दी पावर 0। वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, एन की जगह पे 10, पी 1/6, क्यू 5/6। इट विल बी 10 सी 1 क्यू 5/6 है, तो 5/6 टू दी पावर 10 माइनस 1 मीन्स 9 पी टू दी पावर 1 1/6 टू दी पावर 1 एन सी 0 मीन्स 10 सी 0 क्यू टू दी पावर एन माइनस 0 मीन्स 5/6 टू दी पावर 10 माइनस 0 मीन्स 10 पी टू दी पावर 0 1/6 टू दी पावर 0। आप देख सकते हैं बेटा, इन दोनों में 5/6 टू दी पावर 9 हम कॉमन कर सकते हैं। 5/6 टू दी पावर 9 हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा? आप देखें 10 सी 1 की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, ये कॉमन जा चुका है 1/6 प्लस 10 सी 0 1 1/6 टू दी पावर 0 1, तो ये 1 हो गया। 5/6 टू दी पावर 10,
इसमें से 5 बाई 6 टू द पावर 9 कॉमन हो चुका है, तो 5 बाई 6 टू द पावर 1 बचेगा। दिस विल बी 5 बाई 6 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 6 प्लस 5 बाई 6 मीन्स 15 अपॉन 6। मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ कि इसको कैलकुलेट भी कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। आप ध्यान से देखें, 5 टू द पावर 9 और एक 5 और है यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 10 अपॉन में 6 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमारा आंसर बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आया वो ये आंसर आ रहा है। आप मैच करके देखें, आपको आंसर यही मिलेगा। मैं भी चेक करके देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 टू द पावर 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 6 टू द पावर 9, 5 टू द पावर 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 6 टू द पावर 9। सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। आप देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल बर्नौली ट्रायल्स से हमने इस क्वेश्चन को लगाया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, सेवन नंबर पे एक पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता। मतलब एक पासा है, उसको हम बार बार तब तक उछालते हैं जब तक कि उस पर मुझे 6 का अंक 3 बार ना मिल जाए। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर तीसरा 6 का अंक उसे छठी बार उछालने पर प्राप्त होता है। बेटा इसको ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ता हूं, आप फिर गौर से सुने। एक पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि पासे पर 6 का अंक 3 बार ना मिल जाए, 3 बार। उसके बाद उन्होंने यह भी बोल दिया है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि पासे पर तीसरा 6 का अंक उसे छठी बार उछालने पर मिल जाता है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, कितनी बार हमको 6 का अंक चाहिए था, 3 बार। उन्होंने यह बोला कि जो तीसरा 6 का अंक है उसे वो छठवीं बार प्राप्त हो गया है। इसका मतलब साफ है, फिर से मुझे 6 का अंक पासे पर कितनी बार चाहिए था, 3 बार। तीसरी बार 6 का अंक छठवीं बार मिला उसको। इसका मतलब साफ है कि 2 बार 6 का अंक इससे पहले मिल चुका होगा हमको, तभी तो उन्होंने बोला कि तीसरी बार 6 का अंक छठी बार मिला उसको। हमें 3 ही 6 के अंक चाहिए, तीसरी बार जो 6 का अंक है वो छठवीं बार मुझे मिल चुका। इसका मतलब है शुरू में 2 बार 6 का अंक मुझे और मिल चुका है। कितनी बार तक में, 5 बार तक में मुझे मिल चुका है। इस बात को थोड़ा सा आप भी प्रयास करिए समझने का। हमने 6 बार पासे को उछाला, छठवीं बार में मुझे तीसरा 6 का अंक मिला। इसका मतलब साफ है कि इससे पहले जो मैंने 5 बार पासे को उछाला उनमें से किन्हीं ना किन्हीं 2 बार तो मुझे 6 और मिल चुका है। तभी तो वो कह पा रहे हैं कि तीसरा 6 का अंक छठवीं बार मिला। तो अगर तीसरा 6 का अंक आपको छठवीं बार मिला हुआ है तो इसका मतलब है कि शुरू के 5 बार जब हमने पासे उछाले हैं उनमें कहीं ना कहीं 2 बार 6 का अंक आ ही चुका है। तो इसकी प्रायिकता के लिए थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, पासे पर 6 का अंक आना, पासे पर 6 का अंक आने की प्रायिकता, पासे पर 6 के अंक के आने की प्रायिकता 1/6 होती है, और पासे पर 6 के अंक के ना आने की जो प्रायिकता होती है वो 5/6 होती है।
अब जैसा कि उन्होंने बोला कि उन्होंने जैसे एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार पासे को छाला, उन्हें इन सब में से तीन बार छह का अंक चाहिए था। उन्होंने ये भी बोल दिया है कि लास्ट का जो छठवीं बार था छह का अंक उसमें आया है और वो तीसरा छह का अंक है। इसका मतलब है शुरू के एक से पांच तक के बीच में दो बार छह का अंक कहीं ना कहीं आ चुका होगा। अब पांच में से दो बार छह का अंक आया है, मुझे पता नहीं कौन से दो बार आया है। अगर मुझे इन पांच चांस में दो बार छह का अंक आया है तो हम तो नहीं बता सकते, पता नहीं कौन सी बार में दो बार छह का अंक आया होगा। ऐसी सिचुएशन पे मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए, जैसा मैंने बोला कि आप थोड़ा सा लॉजिकली इसको सोचिए, रिक्वायर्ड को प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो कैसे मैं निकाल सकता हूं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को। ध्यान से देखें, शुरू के पांच में से दो बार छह आया, शुरू के पांच में से दो बार छह आया। अब यह नहीं मालूम है कि पांच में से कौन से दो बार छह आया है, तो हमने 5C2 किया। दो बार छह आया है, एक बार छह आने के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो दो बार छह आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 to the power 2। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, एक तरीका यह भी है हम सोच सकते हैं। अच्छा, अब दो बार अगर छह आया, एक बार छह आने की प्रायिकता 1/6, दो बार छह आने की प्रायिकता 1/6 की घात 2। अब पांच में से अगर बेटा दो बार छह आया होगा तो तीन बार ऐसा भी हुआ होगा कि छह नहीं आया होगा। एक बार छह ना आने के लिए 5/6 है, तो तीन बार छह ना आने के लिए 5/6 to the power 3 करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब लेकिन ये तो हमने केवल इन पांच चांस का निकाला, ये चांस मैंने लिखे हुए हैं कि पांच चांस का निकाला, लेकिन हमें तो पूरी प्रोबेबिलिटी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी। छठवीं बार भी छह आया है और इस छठवीं बार में 6 आया है, ये तो श्योर है ना। तो पांच बार में 6 आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। एक और छह आया है, और के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। याद रखें, प्रोबेबिलिटी में और के लिए मल्टीप्लीकेशन या के लिए जोड़ करते हैं। सभी बच्चों को ध्यान होगा, तो पांच में से दो बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो हमने ये कर ली, क्योंकि जो लास्ट चांस बचा उसमें भी छह आया है, तो दो बार छह आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। और आखिरी वाला जो छह आया है, छठवीं बार जो छह आया है, उसकी प्रायिकता, क्योंकि वो भी तो आया है, ऐसा तो नहीं है ना कि छठवीं बार छह नहीं आया है, तो और उस छह की भी प्रायिकता लिखनी पड़ेगी आपको। तो और के लिए मल्टीप्लीकेशन, एक छह की प्रायिकता, एक छह आने की प्रायिकता कितनी है, 1/6। तो मैं चाहूं तो बड़ी आसानी से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मैं इसको कैलकुलेट करके निकाल सकता हूं। थोड़ा सा लॉजिकली, जैसा कि मैंने बोला, आपको सोचना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। उन्होंने बोला कि तीन छह आने की प्रायिकता हमको चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि छठवीं बार जब हमने उछाला है तो हमें तीसरा वाला छह मिल गया है। छठवीं बार उछालने से अगर तीसरा वाला छह मिल गया, इसका मतलब है शुरू के पांच बार में दो छह कहीं ना कहीं आपको मिल चुके हैं। पांच बार में दो छह मिल चुके हैं, अब यह मालूम नहीं कि इन पांच में से कौन सी बार दो छह मिले होंगे, तो 5C2। दो बार छह मिल चुका है, एक बार छह आने के लिए 1/6, दो बार छह आने के लिए 1/6 की घात 2। अब अगर पांच में से दो बार छह आया होगा तो तीन बार छह नहीं भी आया होगा। अब ये तो प्रायिकता हुई इन पांच में से दो बार छह के आने की, लेकिन तीसरी बार वाला भी तो छह आया है, तो और के लिए मल्टीप्लीकेशन, तीसरी बार वाले में छह आने की प्रोबेबिलिटी, तो तीसरी बार एक ही चांस है, उसमें छह आने की प्रायिकता, तो एक बार छह आने की प्रायिकता है 1/6। अब आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, 5 × 4/2 × 1 multiplied by 1/6 to the power 2 1/36, 5/6 to the power 3 means, आप चाहे तो मत ओपन करें इसे, आप ऐसे कर सकते हैं 5 to the power 3 upon, बेटा ध्यान से देखें, 6 to the power 2 ये,
सिक्स टू दी पावर थ्री ये और सिक्स टू दी पावर वन ये, टू थ्री फाइव वन सिक्स, सिक्स टू दी पावर सिक्स। हम और सॉल्व कर सकते हैं, टू टू जार फोर, टू इन टू फाइव टू दी पावर फोर हो जाएगा ये अपॉन सिक्स टू दी पावर सिक्स। आप चाहें तो इनकी पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेवन को थोड़ा सा आपको इस तरह से सोचना है और ऐसे सॉल्व करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर सेवन तक सॉल्व कर लिया है, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर पे हम ये वाला काम करेंगे। हमारी इस पूरी मिसलिनियस एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 7 क्वेश्चंस हम लोग अब तक कर चुके हैं, 12 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। वो 12 क्वेश्चन जितनी जल्दी हो सकेगा करके हम लोग अगला कोई चैप्टर उठा लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।